मानगढ़ के लोहारगाड़ा स्थित बाल भारती बालिका माध्यमिक विद्यालय की बालिका फातिमा सरा खान को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिलने पर स्कूल परिसर में उसका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग में चुरू जिला टॉप करने पर यह सम्मान बालिका को मिला है। बाईपास रोड पर रहने वाले मोहम्मद जावेद व यास्मीन के घर 14 अप्रैल 2007 को जन्मी फातिमा सरा खान का स्वागत समारोह है विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के व्यवस्थापक नौपाराम मंडा, प्रधानाचार्य मीना जानू, इंटरनल स्कूल के प्रधानाचार्य शांतिलाल शर्मा, बालिका के पिता मोहम्मद जावेद ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मोहम्मद जावेद ने कहा कि संस्था के शिक्षकों की मेहनत की बदौलत ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। प्रधानाचार्य मीना जानू ने बताया कि 97% अंकों के साथ बालिका ने यह उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए बालिका को पुरस्कार स्वरूप 75,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। व्यवस्थापक नौपाराम मंडा ने अन्य विद्यार्थियों से बालिका फातिमा सरा खान से प्रेरणा लेकर जीवन में सफलता हासिल करने की अपील की। इस अवसर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की हेडमास्टर रचना जांगिड़, प्रियंका पारीख, मनीषा जांगिड़, कृतिका जांगिड़, संगीता सोनी, रेखा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं बालिका ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को दिया है। बालिका की इस उपलब्धि पर उसके परिवार के साजिद वाजिद राजा सकलेन सहित अनेक लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। चयन हुआ है कक्षा 10 के लिए और मैं बाल भारती बालिका माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ, इसलिए मैं उस स्कूल के शिक्षक और मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचने के लिए मोटिवेशन किया, और बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल का और शिक्षक का। और मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इस मकाम तक पहुँचे और इसे हासिल करने की कोशिश करें। फातिमा सरा खान ने जो 2021 में 10वीं में 97% इसने हासिल किया था, राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा फाउंडेशन बना हुआ है, जिसके तहत अपने कास्ट कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा नंबर बनाते हैं उन छात्राओं को अवार्ड मिलता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी छात्रा ने ये अवार्ड हासिल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये आगे बढ़ें और हमारे स्कूल का और हमारे समाज का नाम रोशन करें और छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनें। धन्यवाद। सुजानगढ़ नगर कांग्रेस कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जिस तरीके से देश के नव निर्माण में मील के पत्थर के रूप में सरकारी कंपनियां बनाई, उससे आज़ाद भारत देश की मजबूत नींव रखी गई। विधायक ने कहा कि उस समय भारत सरकार की विदेश नीति भी काफ़ी मजबूत थी और आज की तरह हमारे नेता विदेशों में घूमने की बजाय देश की सामरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए यात्रा करते थे। सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस कोरी ने कहा कि नेहरू जैसे सशक्त प्रधानमंत्री ने जिन संस्थाओं को बनाया, आज की सरकारें उसको बेचने का काम कर रही है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस अवसर पर उपसभापति अमित मारोटिया, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पार्षद लक्ष्मीपत प्रजापत, अमजद खान कायमखानी, पार्षद ओम प्रकाश, ऑपरेटर लियाकत अली, श्रीराम भामा, बेराराम प्रजापत, लालचंद बेदी, रामपाल यादव, कन्हैया लाल माली, रामावतार शर्मा, दिनेश पिपलवा, रामनिवास गुजर, इंद्रचंद सोनी, मनोज गुलेरिया, आनंदीलाल प्रजापत, पार्षद एडवोकेट सलीम खां गाजी, मनवर खां, सरपंच सविता राठी, राजेंद्र बेदी, मदनलाल सोनी, फारूक भुट्टा, सलीम गोरी, राजकुमार इंदौरिया, कपिल शर्मा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बैठक में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस मांग को पुरजोर शब्दों में सीएम के समक्ष रखने के लिए विधायक मनोज मेघवाल का आभार प्रकट किया। वहीं मोहम्मद इदरीस कोरी ने कहा कि 7 करोड़ की लागत से स्टेशन रोड की सड़क, डिवाइडर, लाइटिंग तथा विद्युत केबल को अंडरग्राउंड करने का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं छापर रोड पर बनने वाले पुल के बारे में जब कांग्रेस नेताओं द्वारा विधायक से जानकारी चाही गई तो विधायक ने बताया कि 3 आपत्तियों के निस्तारण के बाद कल ही लेटर रेलवे की ओर से जारी हुआ है, जिसके बाद अब केवल रेलवे को मामले में सहमति प्रदान करनी है, उसके बाद टेंडर आदि का काम शुरू हो जाएगा। आज 27 मई हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उनको कांग्रेस कार्यालय में हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पंडित नेहरू जी जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर नेतृत्व किया और उसके बाद आज़ाद होने के बाद उन्होंने इस देश के नवनिर्माण की नींव जिसे कहते हैं
को नींव उन्होंने रखी इस देश को आगे कैसे बढ़ाए, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो। कृषि नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत से सरकारी जो कंपनियां थी वो खड़ी की और उन सरकारी कंपनियों के माध्यम से जो यहाँ उत्पादन नहीं हो रही थी उन चीज़ों को उत्पादन उन कंपनियों के माध्यम से कल कारखाने के लगा किया। उनमें से बहुत सी ऐसी कंपनियां हुई जिन्हें आज भी नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसका नवनिर्माण करने के लिए अपने 17 साल के प्रधानमंत्री काल में बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे पंचवर्षीय योजनाएँ हों उनकी, चाहे और उन्होंने जो योजनाएँ चलाई आज भी प्रासंगिक है, आज पूरा देश उनको श्रद्धा से मनोनीत कर रहा है। ओवर ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है पिछले साल बजट में स्वीकृत हुआ था, उसमें डीपीआर का काम अब पूरा हो चुका है, डीपीआर बनके अब स्वीकृत हो गई है और अब फाइलिंग के लिए रेलवे विभाग के पास में अप्रूवल के लिए गई है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वहाँ से रेलवे विभाग से अप्रूवल होने के बाद में इसके टेंडर विभाग निकाल देंगे। सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने नातो तालाब स्थित ट्रॉमा सेंटर के बंद पड़े भवन एवं ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पूरी बिल्डिंग का दौरा करने के बाद कहा कि मात्र एवं शिशु वार्ड को यहां पर शिफ्ट करने के लिए बामाशाह द्वारा जितना काम मरम्मत आदि का करवाया जाता है उतना जल्द से जल्द करवाया जाए, बाकी अगर कोई काम रहता है तो उसके लिए मैं विधायक कोष से अन्य जरूरत राशि प्रदान कर दूंगा। इसी प्रकार ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में भी आवश्यक सुधार के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए विधायक ने कहा। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि राज्य के बगड़िया अस्पताल पर मरीजों का भार कम करने के लिए यहाँ पर मात्र एवं शिशु वार्ड को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। वहीं विधायक के निरीक्षण के दौरान सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस कोरी, कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित मारुठिया, कन्हैया लाल माली, दिनेश पिपलवा, सरपंच सविता राठी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओपी धानिया तथा पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी ने विधायक को बिल्डिंग का निरीक्षण करवाया और यहां पड़ने वाली जरूरतों के बारे में जानकारी दी। 8-10 महीने पहले जो अपना पुराना हॉस्पिटल है वहाँ से एमसीएच विंग को इधर शिफ्ट करने के लिए योजना बनाई थी, उसके बाद में इसकी स्वीकृति आ गई थी विभाग से। उसकी स्वीकृति आने के बाद में यहाँ की थोड़ी सी स्थिति जो बिल्डिंग की है वो रिपेयर मांग रही थी, तो उसका उस समय बजट नहीं हो पा रहा था। अब उसके लिए हमने प्रावधान किया है ताकि इसकी रिपेयर हो और आज इसका इसीलिए आज देखने आए कि क्या क्या है और इसके अलावा क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। तो जो पीएमओ साहब है हॉस्पिटल के वो और पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं अब वो कल बैठ के और इसके ड्राइंग और उसका एस्टीमेट बना देंगे ताकि इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर हो और उसके बाद में ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे।